रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है जेजी अपैरेटस। पहला टॉपिक हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, अगर नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देख लें। जेजी अपैरेटस जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है? ये स्पेशलाइज ट्यूबुलर एंड वेस्कुलर सेल्स, मतलब ट्यूब्यूल्स जो कि DCT, और वेस्कुलर सेल्स मतलब वेसल्स जैसे कि एफरेंट आर्ट्रियोल। इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने लग जाती हैं, उनके कॉम्बिनेशन को जेजी अपैरेटस कहते हैं। ये तीन तरह की सेल्स होती हैं मेनली। पहली होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, दूसरी होती है मैक्यूला डेंसा सेल्स, तीसरी होती है लेसिस सेल्स। अब इन तीनों को मैंने एक फनी स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस सिस्टम होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा SP, उसके बाद क्या होता है दरोगा, फिर होता है वहाँ का हवलदार। तो ये जेजी अपैरेटस हम एक पुलिस सिस्टम की तरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले SP मतलब जेजी सेल्स की बात करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसके बाद ये ग्लोमेरुलस है, उसके बाद ये ईफरेंट आर्ट्रियोल है, ये PCT है, और यहाँ पे ये DCT है। तो किसी भी जिले में, ये मान लीजिए कोई जिला है, तो सबसे पहले कोई भी हलचल होगी किसी जिले में तो वो कौन डील करेगा, SP। तो ये जो रेड रेड सेल देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं जेजी सेल्स। जेजी सेल्स कैसे बनती हैं? ये एक एसिमेट्रिकल थिकनिंग है जो कि यहाँ की मसल्स में हो जाती है। स्मूथ मसल्स की जो एपिथीलियम है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल थिकनिंग बन रही है, जिसको हमने जेजी सेल्स बोल दिया है। अब ये जेजी सेल्स जो हैं, ये सिंपैथेटिक नर्व से इनर्वेट होती हैं। ये जो दिख रही हैं, ये हैं सिंपैथेटिक नर्व। अब ये सिंपैथेटिक नर्व कब काम करेंगी? जब भी यहाँ पे कोई प्रेशर का चेंज होगा, मतलब अगर यहाँ पर वॉल्यूम कम हुआ या BP कम हुआ या BP ज़्यादा हुआ, तो ये जो सेल्स हैं यहाँ पे, ये बैरोरिसेप्टर की तरह काम करेंगी। जैसे कि थर्मोरिसेप्टर में क्या काम करते हैं, हमारा टेम्परेचर पे काम करते हैं थर्मोरिसेप्टर, और ये बैरोरिसेप्टर प्रेशर चेंज पे काम करते हैं। अब जैसे ही मान लो यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सिक्रीट कराने लगेंगे एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं रेनिन। अब रेनिन जैसे ही एक्टिवेट होगा तो एक मैकेनिज्म होता है, रास मैकेनिज्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रास का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब क्या होता है, जैसा मैंने बताया था, कोई भी प्रेशर में चेंज होगा, हमने मान के चला अगर हाइपोवॉल्यूमिया हुआ, तो यहाँ पे ये जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये रेनिन का सिक्रीशन कराएंगे। अब रेनिन जैसे ही सिक्रीट होगा तो एक प्लाज्मा प्रोटीन लिवर में प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिनोजन। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक डेकापेप्टाइड है। अब ये डेकापेप्टाइड एक ऑक्टापेप्टाइड में तोड़ देगा लंग्स में ही प्रेजेंट एक दूसरा एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो कि एक ऑक्टापेप्टाइड है, ये फर्दर एंजियोटेंसिन 3 और एंजियोटेंसिन 4 बनाता है। अब ये दोनों तीनों मिलके क्या मेजर फंक्शन करते हैं, ये कराएंगे वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब एक बात ये कि जहां जहां सोडियम होगा वहां वहां वाटर जरूर मिलेगा, तो अगर सॉल्ट का रिटेंशन हुआ तो वाटर का रिटेंशन अपने आप हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे कि इसमें हमने देखा कि रेनिन यहाँ आ गया, एंजियोटेंसिन यहाँ आ गया, अगला एंजाइम आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा देंगे ये, तो उससे क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। अब जैसे कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा तो पानी जरूर आएगा, और जैसे ही पानी आएगा तो यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो मेजर एंजाइम है, मतलब ये 80-90% काम करता है, जबकि 10-20% एंजाइम एंजियोटेंसिन 3 और एंजियोटेंसिन 4 काम करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है कि हम जैसे किसी को हाई प्रेशर होता है तो उससे नमक खाने के लिए कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम इंटेक बढ़ेगा तो सोडियम रिटेंशन ज़्यादा होगा, और सोडियम रिटेंशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो जाएगा। अब वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको पहले ही ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, और उसका वॉल्यूम और बढ़ गया तो उसका हाई BP था पहले ही, और BP बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें सोडियम इंटेक को कम करना है।
तो इसलिए हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में सोडियम इंटेक को कम करने के लिए बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप के सेल्स जिसको हमने बोला है मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये कहाँ होते हैं? ये DCT में प्रेजेंट सेल्स का स्पेशलाइजेशन है। अब ये क्या है? ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में तो किसके हैं? लेसिस सेल्स के, और क्लोजली कॉन्टैक्ट में किसके हैं? JG सेल्स के। अब इनको हमने क्या बोला, इसको JG सेल्स को हमने बोला था SP, तो ये किसकी तरह काम करता है? ये एक दरोगा की तरह काम करता है। अब दरोगा का काम क्या होता है कि SP का जो ऑर्डर है वो सही हो रहा है कि नहीं, उसका नेगेटिव फीडबैक देना SP को। तो अब ये इसका काम क्या होता है कि ये सेंस करता है सोडियम कंसंट्रेशन। मेनली ये सेंस करता है इंक्रीज इन सोडियम कंसंट्रेशन। अब जैसे ही इंक्रीज इन सोडियम कंसंट्रेशन ये करेगा तो ये ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक देगा, जो कि एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक में होता क्या है कि मेन बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन मेन स्टेप क्या होता है कि कैल्शियम रिलीज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। अब एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई जो आ रही थी वो कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से GFR कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है मैक्यूला डेंसा। अब आ जाते हैं तीसरे टाइप के सेल्स जिनको हमने बोला है लेसिस सेल्स। लेसिस सेल्स कैसे सेल्स हैं? ये सपोर्टिव सेल्स हैं। जैसा कि हमने यहां देखा था, ये था SP, ये दरोगा और ये हवलदार। हवलदार का काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये पॉलीहाइड्रल सेल्स को हम सपोर्टिव सेल्स भी बोलते हैं। ये कहाँ फाउंड हो रहे हैं? ये फाउंड बिटवीन कैपिलरी लूप्स, ये कैपिलरी लूप्स के बीच में प्रेजेंट हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल हैं। दरोगा का काम क्या होता था? नेगेटिव फीडबैक देना। तो लेसिस सेल हवलदार का काम क्या है कि जब SP और दरोगा प्रेजेंट नहीं है तो ये अपने क्या कराएगा, ये रेनिन को सिक्रीट कराएगा, पर कब कराएगा? एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी में। इसका मेन रोल क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराना। तो कि जैसे हमने देखा, लेसिस सेल्स जिसको हम मीजेनग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, ये पॉलीहाइड्रल सपोर्टिव सेल्स हैं, फाउंड बिटवीन कैपिलरी लूप्स, कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर, सिक्रीट रेनिन, एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी, और इट हैज रोल इन इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।